dear children heartiest welcome in english class how are you hope that all of you are well and safe at your home today we read chapter 7 that is channi of your book that is an alien hand dear children these are expected learning outcomes which will be achieved by us after understanding this chapter as you know that i divided this chapter in three parts

शी वॉज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट वह एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी नाउ लेट्स रीड द्री ऑफ दिस पहाड़ियों पर पहुंची इट्सिम्ड हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर उसे ऐसा लग रहा था कि पुराने पहाड़ उसके स्वागत के लिए कतार में खड़े हैं शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयरस ऑफ सेपरेशन उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा वर्षों के अलगाव के बाद अपने माता पिता से मिल रहा हो वेर एवर वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एब्रेस हर द फ्लॉर्स ब्लूम टू एम्यूज हर एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम वह जहां भी जाती थी लंबी घास उसे गले लगाने के लिए उठती थी फूल खिलकर उसका मनोरंजन करते थे और हवा ने स्वागत का एक अंतहीन गीत गाया था हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड यह सब अबू खान के परिसर के कारागार में उसके अतीत से कितना अलग था इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ चांदनी के जीवन का यह सबसे खुशी का दिन था दैट डे शी प्लेड फॉर आर्स ऑन द ग्रासी of ऑफ hills. उस दिन वह पहाड़ियों की घास वाली ढलानों पर घंटों खेलती थी शी a herd ऑफ वाइल्ड गॉड्स हु asked हर टू ज्वाइन their ग्रुप वह जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली जिन्होंने उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए कहा बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया she wanted to enjoy her new freedom all by herself वह अपनी नई स्वतंत्रता का अकेले ही आनंद लेना चाहती थी the sun disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass the flowers and the trees सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया और जल्दी ही अंधेरे ने घास फूल और पेड़ों को ढक दिया the wind stopped blowing एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशिज हवा चलना बंद हो गई और झाड़ियों से आ रही एक अजीब सी आवाज को छोड़कर चारों ओर सन्नाटा छा गया द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट वट वॉज इट आवाज करकश की तरह थी यह क्या था इट वॉज अबू खांस वॉयस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड ट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड यह अबू खान की आवाज नहीं थी जो उसे परिसर में वापस बुला रही थी ना ही यह दूसरी बकरी की आवाज थी देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन दिल्स तब चांदनी ने पहाड़ियों में रहने वाले खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा शी फेल्ट स्र्ट उसे डर लग रहा था शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट क्या उसे अबू खान की झोंपड़ी की सुरक्षा में वापस जाना चाहिए नो शी सेट टू हर सेल्फ डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट नहीं उसने खुद से कहा खुले मैदान में मौत एक छोटी सी झोंपड़ी में जीवन से कहीं बेहतर है दुल फैड कम आउट बुशीज एंड वाज स्टेरिंग ग्रीडली एट चांदनी भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया था और चांदनी को लालच से घूर रहा था उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमक रही थी ही no वह जल्दी में नहीं लग रहा था न्यू द न्यू गॉट वॉज हिज वह जानता था नई बकरी उसकी है द वुल्फ एंड द गॉट साइज ऑफ ईच अदर भेड़िया और बकरी ने एक दूसरे को देखा द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्रोशियस वेयर एज द गॉट दो हेल्दी व स्मॉल भेड़िया बड़ा और क्रूर था जबकि बकरी स्वस्थ होने के बावजूद छोटी थी बट स्मॉल इज नॉट वीक लेकिन छोटी कमजोर नहीं है चांदनीसलाइटली बेंट एंड चांदनी अपने साहस की तस्वीर थी शी लुक लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचर्स एनिमी वह एक विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार एक बहादुर सैनिक की तरह लग रही थी आई मस्ट अ गुड फाइट चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांदनी ने सोचा मुझे अच्छी लड़ाई लड़नी होगी सफलता या असफलता भाग्य या संयोग की बात है द फाइट बिगेन लड़ाई शुरू हुई इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट यह रात भर चलती रही द मून

पूरब में एक फीकी रोशनी दिखाई दी और सुबह की प्रार्थना दूर की मस्जिद से आई द फर्स्ट रेज ऑफ द सन दौ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड सूर्य की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर पड़ा देखा शी वॉज कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड वह पूरी तरह से खून से लथ थी द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डि हर भेड़िया जो थका हुआ और नींद में लग रहा था उसे खा जाने के लिए तैयार हो रहा था एन असेंबली ऑफ डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट पास के एक पेड़ की चोटी पर बैठे पक्षियों की एक सभा लड़ाई के परिणाम पर बहस कर रही थी हु इज द विनर वन ऑफ द मास्ट विजेता कौन है उनमें से एक ने पूछा वोल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम, भेडिया, बिल्कुल, उनमें से ज्यादातर ने कहा ओल्ड असल्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर। एक बुद्धिमान वृद्ध पक्षी ने विश्वास के साथ कहा चांदनी विजेता है डियर चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल देयर इज ए Worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story. Thank you, be happy, and safe.